ओके, तो वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स अभी लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आज जो हम सीखने वाले फ्रेंड्स, आज हम बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे हमको समझ में आया कि कहाँ से प्राइस जो कैंडल्स है नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर रिवर्स होने वाला है। ओके, या ट्रेंड जाएगा नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगा, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनेगा। तो इसी वीडियो में हम सीखने वाले फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेलिंग प्रेशर कैसे वर्क करता है, बाइंग प्रेशर कैसे वर्क करता है। ओके, एंड इससे पहले मेरे चैनल पे आपको जाना है सिंपल, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो लगभग मैंने 7-8 महीने पहले मैंने वीडियो एक अपलोड किया था बाइंग, हाउ टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। तो ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो मैंने अपलोड किया है, इस वीडियो को भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग करके प्रैक्टिकली बताया हूँ आपको कैसे इसको सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो इस वीडियो को भी आप जाके देखें। सिंपल आपको चैनल को ओपन करना और यहाँ पर जो सर्च बार होता है यहाँ पर सर्च करना प्रेशर, तो ये वीडियो तो टॉप में आ जाएगा। ओके, एंड इस वीडियो में हम ये सीखने हैं इनगुल्फिंग कैंडल स्टिक के साथ हम सीखेंगे कि कैसे हमारा इनगुल्फिंग कैंडल बनने के बाद कैसे वर्क करा और कब वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इनगुल्फिंग कैंडल को समझने से पहले फ्रेंड्स आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेंड। ओके, नंबर वन जो सबसे पहले होना चाहिए कि मेजर ट्रेंड होना चाहिए या माइनर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, यानी ट्रेंड हमारा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है कैंडल स्टिक मैथ आपको पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक मैथ का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंडल्स बना, ओके ये रहा हाई एंड ये रहा लो, तो इस कैंडल का अगर मैं कहूँ कि 50%, ओके ये रहा 50%, करेक्ट। अब इस कैंडल का क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि 70% ये रहा, ओके एंड अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे शेडो बना दूँ, ओके तो ये जो शेडो है ये क्या, ये सिर्फ रिजेक्शन है ना, 50% से रिजेक्शन है, करेक्ट। तो अपना जो 50% बाकी है वो हमारा ये एरिया बाकी है, करेक्ट, ये हमारा 50% बाकी है, करेक्ट। तो कहने का मतलब कि अगर ये कैंडल जो है अगर ये 100% है, ये 100% है, ये 50% हुआ, ये 50% हुआ, ओके। एंड अगर हमारा यहाँ पर क्या कि 50% को ब्रेकआउट नहीं दिया तो नेक्स्ट कैंडल क्या गोइंग अप ट्रेंड जाएगा, अगर ये स्ट्रोंग मेजर अप ट्रेंड है। ओके, स्ट्रोंग मेजर अप ट्रेंड मतलब कि यार लाइक यार 90 डिग्री टाइप, ओके यार अगर 90 डिग्री टाइप का है हमारा यहाँ पर, ओके फॉर एग्जाम्पल यार 90 डिग्री, अगर हमारा 90 डिग्री यार ट्रेंड है, ओके 90 डिग्री ट्रेंड है और ये कंडीशन अगर मिलता है 50% को ब्रेक नहीं करता है या प्रीवियस कोई और रेजिस्टेंस लेवल होगा तो प्राइस नेक्स्ट कैंडल क्या गोइंग अप ट्रेंड जाएगा। ओके, तो ये हमारा रूल्स है एक, बट हम इस रूल्स के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं कि कैंडल स्टिक मैथ कैसे वर्क है। तो आपको हमेशा याद रखना किसी भी कैंडल स्टिक का अगर जितने पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, अगर ये 5 मिनट का है तो 4 मिनट पे क्या होगा यहाँ पर दो कैंडल्स बन सकती है। ओके, दो कैंडल्स बन सकती है, कोई रिजेक्शन वाली बन सकती है या फिर इसमें से 3 कैंडल भी बन सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर कितनी भी कैंडल, बट यहाँ पर क्या है कैंडल जो भी होती है वो डिवाइड होती है, यानी ये कैंडल अगर बना तो ये क्या डिवाइड है। ओके, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या डिवाइड हो जाती है ये कैंडल्स, करेक्ट। एंड ये जो शेडो होता है हमारा यही हमारा रिजेक्शन होता है, यही पर अपने को समझना है। तो अभी हम फाइनली बात करने वाले कि रिजेक्शन के बारे में, तो आपको इंपॉर्टेंस ये है कि आपको फाइंड करना है इनगुल्फिंग टाइप कैंडल्स। ओके, सिंपल बॉडी बॉडी आपको पहले फोकस करना है, शैडो को फोकस नहीं, सबसे पहले आपको जो फोकस करना है बॉडी टू बॉडी है ना, जैसे अभी हमने बात किया कैंडल स्टिक मैथ के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ इस टाइप का, हमको बॉडी टू बॉडी पहले अपने को समझना है कि ये हमारी बॉडी टू बॉडी। उसके बाद आपको फोकस करना है जब बॉडी टू बॉडी इनगुल्फ हो जाएगा, यानी ये इनगुल्फिंग हो गया, अब यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर शैडो पे। ओके, अब हमको समझना है कि शैडो पे, अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल हमारा रेड कैंडल है ये क्या हो गया अपना बाइंग प्रेशर हो गया एंड ये हो गया सेलिंग प्रेशर, करेक्ट, ये अपना बाइंग प्रेशर हो गया, ये हो सेलिंग प्रेशर। एंड इस कैंडल पे लोअर शैडो कोई भी लोअर शैडो नहीं है तो इसका मतलब क्या यहाँ पर बाइंग प्रेशर नहीं है। ओके, और इस कैंडल पे अपर शैडो पे यहाँ पर क्या कि अपर शैडो नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, यानी हमारा बाइंग प्रेशर ये रहा एंड सेलिंग प्रेशर ये रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड है तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा कि लास्ट क्या है यहाँ पर क्या है कि सेलिंग प्रेशर है, और ये रहा मेजर डाउन ट्रेंड तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्या होगा गोइंग डाउन होगा। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा गोइंग डाउन होगा। ओके,
अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कैंडल स्टिक मैथ के बेस पे अगर आप देखेंगे तो ये एरिया अपना जो बाकी है, ये वाला जो एरिया है इतना इस कैंडल क्लोजिंग से, तो ये जो बीच का एरिया है, ये हमारा जो स्पेस ये छूटा हुआ है, यही स्पेस क्या होता है, एडजस्ट होता है इस एरिया में। ओके, यही एरिया में क्या होता है, यही अपना एडजस्ट होता है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या होता है यहाँ पर, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर क्या होता है अपना, रेड कैंडल होता है। ओके, तो इस हिसाब से आपको समझना है। तो सबसे पहले फोकस करना आपको बॉडी को, फिर आपको शैडो पे। अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है इनगुल्फिंग कैंडल। ओके, हालांकि और भी बहुत टाइप से इनगुल्फिंग कैंडल बनते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ दो ही टाइप लिया हूँ, और भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि और भी टाइप के बारे में। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ दो टाइप है। यहाँ पर अगर इक्वल सिमिलर लो होगा, ठीक, सिमिलर इक्वल लो, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे सपोर्ट लेबर है ना, टू कैंडल हियर इक्वल लो एंड सपोर्ट लेबर, एंड इस कैंडल पे देखना है यहाँ पर कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश ने ब्रेकआउट दिया। ओके, तो यहाँ पर ये समझना, हियर 50% को क्या किया इसने, 50% लेवल को हियर एग्जैक्टली क्लोजिंग रेड कैंडल, 50% हियर ग्रीन कैंडल, करेक्ट, यानी 50% ये हमारा हो गया एंड 50% ये हो गया, करेक्ट। तो 50% अब कैंडल स्टिक मैथ के अगर मैं पार्ट की बात करूँ, तो ये हमारा क्या है कि इस एरिया में क्या प्राइस क्या होती है, ड्रॉप हो सकती है, यानी रेड कैंडल बनने के चांसेस है, कैंडल स्टिक मैथ की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं पर आपने समझना है कि इस कैंडल पे क्या अपर शैडो हियर क्या है, हियर क्या है अपना सेलिंग प्रेशर हो गया, हियर बाइंग प्रेशर एंड हियर बाइंग प्रेशर। तो इक्वल लो, ओके, इक्वल लो यानी इक्वल बायर्स, ओके, इक्वल बायर्स, बट यहाँ पर क्या कि सेलिंग प्रेशर हियर है, सेलिंग प्रेशर हियर। अगर मार्केट मेजर डाउन ट्रेंड हुआ या माइनर डाउन ट्रेंड हुआ, और ये क्या अल्ट्रा यूज, यानी क्या है कि बिग बॉडी, ओके, यानी की लेवल्स, तो की लेवल्स हमारा कहाँ पर है, ये रहा, ये अपना क्या है की लेवल, की लेवल मीन्स क्या, रेजिस्टेंस लेवल, यानी इस कैंडल का की लेवल यहाँ पर है। तो की लेवल से अगर की लेवल के पास में नहीं क्लोज, यानी अगर कैंडल की लेवल के नियर बाय अगर क्लोज नहीं होता है, और अगर ये कंडीशन बनता है, यानी की लेवल से काफी दूर जाके क्लोज होता है, एंड यहाँ पर अगर कोई हमारा यहाँ पर रिजेक्शन होता है, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस क्या होती है, यहाँ पर रिवर्स होने के चांसेस है। ओके, रिवर्स होने का काफी ज्यादा चांसेस है, बट यहाँ पर कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, बेरिश बनेगा। अगर फ्रेंड्स अगर आपको इस चीज को समझना है, तो यहाँ पर मैंने इस ग्रुप को जरूर जानी है, इस ग्रुप में मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताया था जब मैं इस प्रॉफिट की बात कर रहा था। इस वीडियो में सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरली आपको बताया था, मैं बताता हूँ कि फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे ये वही कंडीशन है। ओके, करेक्ट, तो आप एग्जैक्टली इस वीडियो को जब वॉच करेंगे, तो जो चीजें मैं बताया था, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, मार्केट ड्रॉप हुआ था। ओके, मैं बताया था यहाँ पर अगर 2017,020 के ऊपर आसपास कहीं क्लोज होता है, तो कैंडल जो क्लोज हुआ था 17,050 के आसपास क्लोज था, नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ था, ड्रॉप भी हुआ था, और ये वही कैंडल्स है जो मैं आपको बताने वाला, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। ओके, यानी ये सेम वही कैंडल्स है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 17,020 के आसपास के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली हियर रिवर्स होगा। ओके, जो कि मैंने 600 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया था, यहाँ पर ट्रेड भी किया था लास्ट टाइम, करेक्ट। तो नेक्स्ट कैंडल इसी वजह से यहाँ पर ड्रॉप हुआ है फ्रेंड्स, करेक्ट। तो ये हमारा टाइप वन रहा, अभी हम टाइप टू की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताता हूँ। तो सेकंड सेकंड कैंडल में डिफरेंस है, सेकंड कैंडल में डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे स्ट्रोंग बायर रिजेक्शन। ओके, स्ट्रोंग बायर रिजेक्शन, जो दोनों का ट्रेंड है, वो ट्रेंड जो है वो सेम है, मेजर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, माइनर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर अगर माइनर अप ट्रेंड है, तो ये माइनर डाउन, यानी ओवरऑल मार्केट क्या होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, और ये माइनर डाउन ट्रेंड हो सकता है। ओके, ये क्या है, मेजर डाउन ट्रेंड होगा, तो प्राइस क्या होगा, मेजर डाउन ट्रेंड में अगर ये करेक्शन के लिए प्राइस जा रहा है, तो ये माइनर अप ट्रेंड के लिए जा रहा है। ओके, तो यानी क्या, प्राइस रिवर्स होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि मेजर ट्रेंड को हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, एंड यहाँ पर अभी देखेंगे यहाँ पर बाइंग प्रेशर। ओके, हियर क्या है, लॉन्ग अपर साइड हो, यानी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, करेक्ट, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर प्लस हमारा यहाँ पर ही बायर, यहाँ पर क्या है, रिजेक्शन है। ओके, यानी बाइंग प्रेशर प्लस जो कैंडल स्टिक का यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या हायर लो कंडीशन में है। ओके,
हायर लो कंडीशन में, यानी ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, हायर लो होता है। ओके तो सेम थिंग हियर अप्लाई हियर कैंडलस्टिक, हायर लो कंडीशन प्लस हमारा की लेवल को कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, बट अपर शैडो इसमें नहीं है, तो यानी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्या है कि नहीं है। इस केस में आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर क्या है सेलिंग प्रेशर नहीं है, करेक्ट, यहाँ पर क्या है कि सेलिंग प्रेशर नहीं, इसका मतलब ये कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि हायर लो कंडीशन में है प्राइस, ओके, हायर लो कंडीशन में है प्लस यहाँ पर कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, एंड प्राइस प्राइस क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ है ये की लेबल्स है, यानी प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर फेक आउट दिया, यानी प्राइस रिजेक्शन हुआ है ना, तो ये क्या रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा जो कि हमारा ये ड्रॉप होगा, बट यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल क्या, रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस क्लोज हुआ है बट यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ड्रॉप होने के बाद है ना, या थोड़ा बहुत ड्रॉप होने के बाद क्या प्राइस यहाँ पर रिवर्स हो सकता है, यानी हमारी नेक्स्ट कैंडल क्या है बुलिश इनगल्फिंग, यानी नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या है बुलिश बन सकती है। ओके तो यहाँ पर अपने को दो साइन मिला कि अपने को समझ सकते हैं, पहला जो साइन मिला कि यहाँ पर स्ट्रोंग बाय रिजेक्शन है एंड स्ट्रोंग बाय रिजेक्शन है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या कि हायर लो कंडीशन है, ओके, तीसरा कंडीशन यहाँ कि ये जो कैंडल्स हमारी लास्ट वाली इंगल्फ किया है यहाँ पर कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये है कि इन केस यहाँ पर प्राइस क्या होगा, जब भी ड्रॉप होगा थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या होगा प्राइस रिवर्स होने के चांसेस है फ्रेंड्स। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि बाइंग प्रेशर कैसे वर्क करता है, सेलिंग प्रेशर कैसे वर्क करता है, बट ये दो टाइप का मैं बताया हूँ, यहाँ पर बहुत टाइप यहाँ पर इनगुल्फिंग बनेंगे, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में और भी टाइप के मैं इनगुल्फिंग कैंडलस्टिक को मैं कवर करने वाला हूँ, और सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन बताया हूँ इसी कंडीशन के अगर इसी टाइप का कैंडलस्टिक बनता है तो आप फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप कोई और कैंडलस्टिक और किसी टाइप का बनेगा तो ये वो रूल वर्क नहीं करेगा, ये बिग इंपॉर्टेंस पॉइंट है। कैंडलस्टिक में यही इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि जो कैंडल्स जो सेटअप का रूल है उसी के साथ के वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग प्रेशर होगा तो ये वर्क नहीं करेगा फ्रेंड्स। ओके ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, बट अगर सेलिंग प्रेशर है और नियर बाय रेजिस्टेंस है उसे रिजेक्टेड है, तो इसका मतलब यह कि प्राइस यहाँ पर क्या डूजी टाइप कैंडल्स बन सकता है, रेड भी बन सकता है। ओके तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि कैसे, जैसे कि हमने प्रीवियस डे को डिस्कस किया था, अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया होगा तो इस वीडियो को आप देखेंगे जो मैं लास्ट में प्रॉफिट के साथ यहाँ पर वीडियो अलग हमने 1700 का प्रॉफिट बुक किया था, तो इस वीडियो को देखेंगे तो एग्जैक्टली मैंने बताया था कि लाइव मार्केट में यहाँ पर 17020 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट रिवर्स होगा। अभी यहाँ पर मैं क्यों बताया था, यह क्या है स्ट्रॉन्ग मेजर डाउन ट्रेंड, ओके, एंड यर हायर लो, सॉरी हियर लोअर हाई एंड हियर लोअर लो, एंड प्राइस क्या है हियर डाउन ट्रेंड, ओके, एंड हियर माइनर डाउन ट्रेंड एंड हियर स्ट्रॉन्ग सेलर सी एंटर, हियर स्ट्रॉन्ग सेलर सी एंटर, एंड इसका मतलब ये इनगुल्फिंग कैंडल्स क्या है रॉन्ग डायरेक्शन बना है, हियर रॉन्ग डायरेक्शन बना है, ये कहाँ पर बनना चाहिए हियर डाउन ट्रेंड, यहाँ पर बनना चाहिए, यानी इस केस में यहाँ पर बनना चाहिए तो फिर यहाँ पर प्राइस रिवर्स, ओके, बट ये क्या ये माइनर अप ट्रेंड बना है, यानी रॉन्ग डायरेक्शन, सबसे पहली बात यहाँ पर रॉन्ग डायरेक्शन बना है। ओके सेकंड थिंग यहां पर क्या है आप देखेंगे, एंड हियर 50% से 50% को क्या इसने ब्रेक नहीं किया, नहीं 50% से ज्यादा ये कैंडल क्या है क्लोज हुआ है ना, यानी इस ग्रीन कलर का 50% से अब ये क्लोजिंग है। ओके हियर क्या है बाइंग प्रेशर एंड हियर सेलिंग प्रेशर, ओके एंड हियर बाइंग प्रेशर एंड हियर सेलिंग प्रेशर, तो यानी दोनों पे हमारा यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर है। ओके तो यानी इसका मतलब ये कि अल्ट्रा यूज कैंडल, ओके अल्ट्रा यूज कैंडल हियर है ना, ये हमारी बुलिश कैंडल है एंड रिजेक्शन हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, तो फॉर एग्जांपल हियर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जो मैं हॉरिजॉन्टल ने ड्रॉ किया था, दिस इज स्ट्रोंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी है ये दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ओके तो प्राइस क्या यहाँ पर आप देखेंगे दिस रिजेक्शन प्राइस, ओके हियर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल हियर रिजेक्शन प्राइस एंड हियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर मैक्सिमम हियर हियर सपोर्ट हियर सपोर्ट सपोर्ट हियर रिजेक्शन। ओके तो हियर साइन ये कि नेक्स्ट कैंडल हियर रिवर्स हो सकता है, ये H1 टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं। ओके हाई टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा यहाँ पर है क्योंकि लो टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड निकाल सकते हैं इजिली, तो यहाँ पर प्राइस पहले गोइंग अप ट्रेंड गया अगेन हियर रिवर्स हुआ, तो डेफिनेटली हियर क्या यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। ओके हालांकि मैंने सेल भी किया था, 600 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया था इस केस में। मैं और भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपन वर्क कर सकते हैं, एंड फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंड हियर करेक्ट जैसे मेजर डाउन ट्रेंड माइनर अप ट्रेंड एंड हियर डाउन ट्रेंड मेजर डाउन ट्रेंड एंड दिस इज इंगुल्फिंग कैंडल्स। ओके दिस इज इंगुल्फिंग कैंडल्स स्टिक। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली आपको समझना की कोशिश है जो इनगुल्फिंग कैंडल ये क्या है, ये दिस इज डाउन ट्रेंड। ओके हियर मेजर डाउन ट्रेंड, ये फॉलो मेजर डाउन ट्रेंड एंड हियर गोइंग अप ट्रेंड यानी माइनर ट्रेंड। तो ये क्या माइनर अप ट्रेंड हुआ एंड हियर स्टार्टिंग हियर माइनर अप ट्रेंड करेक्ट। यानी ट्रेंड हमारा जो है ट्रेंड का कंडीशन जो है वो हमारा फुलफिल करता है और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है इस ईयर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। ओके स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आप देखेंगे हियर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। ओके एंड हियर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर एंड अगेन हियर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर करेक्ट एंड प्राइस हियर हायर लो कंडीशन। ओके यानी हमारा क्या है ये हायर लो कंडीशन करेक्ट एंड हियर हायर लो कंडीशन एंड प्राइस हियर ब्रेकआउट हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड क्लोज हियर क्या है हियर दिस इज हियर नो रेजिस्टेंस ये सपोर्ट लेवल दिस इज हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ओके एंड हियर सपोर्ट हियर रेजिस्टेंस लेवल हियर सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं हॉरिजॉन्टल एंड ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में। एंड हियर तो नियर बाय हियर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बट नो रिजेक्शन। ओके बट हियर नो रिजेक्शन अपर साइड हो नो अपर साइड हो। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइस क्या होता है थोड़ा बहुत डाउन होने के बाद क्या होता है प्राइस ये डेफिनेटली गोइंग अप ट्रेंड जाएगा। यानी H1 है ना 1 घंटे बाद जब ये नेक्स्ट कैंडल हमारा जो क्लोजिंग होगा वो बुलिश कैंडल क्लोज होगा। ओके ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है किसी भी टाइप का हो सकता है बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बुलिश बन सकता है वो छोटा भी बन सकता है बड़े बॉडी वाला भी बन सकता है। ओके इस टाइप का बन सकता है इस टाइप का बन सकता है किसी भी टाइप का बन सकता है बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने क्यों क्योंकि यहाँ पर सारे क्राइटेरिया हमारा फुलफिल कर रहा है। ये क्या है माइनर स्टार्टिंग हियर अप ट्रेंड एंड हियर मेजर डाउन ट्रेंड एंड हियर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर अल्ट्रा यूज हियर लोअर साइड और हियर हियर बाइंग प्रेशर एंड हियर रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बट हियर यहाँ पर क्या रिजेक्शन नहीं अपर साइड नो रिजेक्शन। इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग बाय एक्टिव एंड दिस कैंडल गोइंग अप ट्रेंड। ओके एंड मैं यहाँ पर और एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। एंड जैसे फॉर एग्जांपल हियर अभी यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर एक और इंगुल्फिंग कैंडल्स है तो दिस इज हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ओके एंड हियर मेजर डाउन ट्रेंड हियर माइनर अप ट्रेंड हियर क्या है दिस इज माइनर अप ट्रेंड हियर मिडिल ऑफ द ट्रेंड हियर इंगुल्फिंग कैंडल है ना हियर स्टार्टिंग पॉइंट बट हियर मिडिल ऑफ द ट्रेंड है ना माइनर अप ट्रेंड हियर स्टार्टिंग हियर माइनर अप ट्रेंड एंड हियर का मिडिल ऑफ द ट्रेंड। ओके माइनर अप ट्रेंड का पहली बात यहाँ पर क्या है कि मार्केट का कंडीशन हमारा रॉन्ग है ना। सेकंड थिंग हमारा यहाँ पर क्या है कि अपर साइड हियर अपर साइड एंड हियर लोअर साइड सिमिलर साइज प्लस हियर स्ट्रॉन्ग हियर प्राइस के हायर लो कंडीशन है सेम कंडीशन हियर हायर लो कंडीशन है। ओके यहाँ पर भी हायर लो कंडीशन है बट यहाँ पर अपर साइडो नहीं है बट यहाँ पर क्या है अपर साइडो है नियर बाई क्या हियर सपोर्ट लेवल। ओके तो नेक्स्ट कैंडल क्या प्राइस ने हियर टच किया सपोर्ट लेवल एंड हियर गोइंग डाउन एंड हियर कैंडल क्लोज हियर रेड कैंडल। ओके तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे ये वर्क करता है। मैं आपको और एक दो और एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए करेक्ट। एंड अपने को जब भी फाइंड करना है तो मेजर डाउन ट्रेंड में फाइंड करना है या स्टार्टिंग माइनर अप ट्रेंड का तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि मेजर अप ट्रेंड होना चाहिए माइनर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो हमेशा अपने को याद रखना फ्रेंड्स ट्रेंड ट्रेंड बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे ये मेजर अप ट्रेंड है तो अपने को चाहिए मेजर डाउन ट्रेंड एंड माइनर अप ट्रेंड स्टार्टिंग पॉइंट। ओके तो अपने को दो कंडीशन चाहिए दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए एंड आई थिंक हियर मेजर डाउन ट्रेंड एंड हियर माई डियर फ्रेंड। ओके एंड दिस इज क्लियरली हियर रिवर्स एंड क्या हियर मेजर डाउन ट्रेंड। ओके एंड हियर माइनर अप ट्रेंड स्टार्टिंग क्योंकि हियर लोअर हाई एंड लोअर हाई करेक्ट एंड हियर क्या दिस इज लोअर हाई यानी मेजर मेजर डाउन ट्रेंड एंड हियर माइनर अप ट्रेंड एंड हियर माइनर अप ट्रेंड। तो हियर स्टार्टिंग हियर माइनर अप ट्रेंड करेक्ट एंड हियर डाउन ट्रेंड माइनर एंड हियर मेजर अप ट्रेंड। ओके तो स्टार्टिंग पॉइंट हियर इंगुल्फिंग कैंडल करेक्ट एंड स्टार्टिंग पॉइंट हियर एंड स्टार्टिंग पॉइंट हियर। तो जहां से माइनर स्टार्ट एंड होता है स्टार्टिंग होता है तो उस एरिया को हम कंसीडर कर सकते हैं
बट मिडिल ऑफ द ट्रेंड अगर इंगुल्फी करे, जैसे कि माइनर स्टार्टिंग हियर है, अगर यहाँ पर इंगुल्फी बने तो फिर यहाँ पर ये इन्वेंट, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट को आपको कंसिडर करना। ओके, या तो इस ये हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट है, एंड ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, ये सारे करेक्ट है। ओके, अभी इनकरेक्ट कहाँ पर है, जैसे कि अपना यहाँ पर ये क्या, ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर कोई इंगुल्फिंग बन गया, ये इनकरेक्ट पार्ट है। ओके, ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है। अभी सेम कंडीशन आप फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड दिस इनगुल्फिंग टाइप करना, एंड प्लस ये मॉर्निंग स्टार, बट हम यहाँ पर एक इनगुल्फिंग का देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनगुल्फिंग टाइप करना। ओके, प्लस ये अपना इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी है। ओके, बट ईयर का क्लोज नहीं है, इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं है, तो ये हमारा अनफोल्ड मॉर्निंग स्टार है, तो जिसको हम इनगुल्फिंग कैंडल ही काउंट करेंगे। करें सिंपल, आप देखेंगे दिस इज रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल, हियर सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल, एंड कैंडल हियर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर एंड हियर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। ओके, प्लस हियर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, तो सभी क्या है, बाइंग प्रेशर ही है, एंड अपर शैडो हियर नो अपर शैडो। ओके, हियर दिस इज नो अपर शैडो, एंड प्राइस क्या हुआ, हियर गोइंग डाउन। ओके, एंड हियर गोइंग डाउन, एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल, हियर टच, एंड हियर रिवर्स, बट कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ वो क्या हुआ, बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हुआ। करेक्ट, जो कि यहाँ पर बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हुआ, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हियर अपर शैडो नो सेलिंग प्रेशर है ना, ओनली हियर बाइंग प्रेशर, हियर बाइंग प्रेशर, हियर बाइंग प्रेशर। करेक्ट, तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे वर्क करता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिस टाइप की कैंडल स्टिक है उसी टाइप का ये कंडीशन है, एंड अगर कोई और टाइप का कैंडल स्टिक होगा और अगर ये आपका अप्लाई करेंगे इस कंडीशन को तो वर्क नहीं करेगा, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसी कैंडल स्टिक है, जैसा शैडो है, उसी टाइप को समझना है, उसी के बिल्कुल आसपास नियर बाई होना चाहिए, अगर डिफरेंट होगा तो फिर ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा फ्रेंड। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं वीडियो बताऊंगा, एंड थ्री थ्री टाइप, फोर टाइप, फाइव टाइप, जितने टाइप का इंक्लूडिंग करना होगा मैं इसलिए वीडियो आपको बता दूंगा। एंड यही सेम कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करता हूँ दिस इन आईक्यू ऑप्शन अकाउंट। ओके, हियर आईक्यू ऑप्शन पे सेम कॉन्सेप्ट को मैं एवरी डे स्टॉक मार्केट ट्रेड करने के बाद 3 बजे के बाद मैं इस पे आईक्यू ऑप्शन ट्रेड करा। एंड सिंपल हियर देखेंगे 25 तारीख, एंड हियर एंड 25 तारीख, 7:58 यानी लगभग 7-8 मिनट मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है, 6 मिनट इधर, 2 मिनट है, तो लगभग यहाँ पर हमने 8 मिनट ट्रेड किए। ओके, एंड ये $50 या $39 117 है ना, तो यार लगभग अच्छा खासा $200। एंड सेम कॉन्सेप्ट को मैं यही पर हूँ, जैसे यार इनगुल्फिंग कैंडल। ओके, एंड दिस हियर एंट्री हमारी, एंड हियर इनगुल्फिंग कैंडल, बट ये क्या है, मेजर अपट्रेंड, ये मेजर अपट्रेंड है, एंड हियर पुल बैक। ओके, तो इस टाइप का वीडियो मैं लाने वाला हूँ, पुल बैक वाला इनगुल्फिंग कैंडल का, एंड हियर क्या इनगुल्फिंग कैंडल। ओके, एंड हियर क्या है, हियर एंट्री, एंड हियर एंट्री, एंड हियर क्या है, हियर दिस इज हियर बाइंग, हियर सेलिंग प्रेशर, हियर बाइंग प्रेशर, देन हियर रेड कैंडल है ना, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, सेम कंडीशन स्टॉक मार्केट। तो इस तरह का आपको समझना है कैंडल की बॉडी को और शैडो को फ्रेंड। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर फॉर प्राइस एक्शन है, सप्लाई डिमांड कोर्स का ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड ये पूरा कंडीशन है जो आपको समझना फ्रेंड, एंड उसके बाद आपको ये है ज्वाइनिंग पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाता है, 1-to-1 सेशन होता है, एंड सिर्फ और आप और हम होते हैं उस क्लासेस में, एंड थर्ड पर्सन कोई नहीं होता है, एंड ये टाइमिंग है जिस टाइम का ज्वाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, एंड ये वगैरह मैसेज वगैरह आप मुझे कॉल वगैरह करिए, डिटेल पूछ सकते हैं। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको एवरीडे मिलता रहेगा, एंड वीडियो पॉसिबल बहुत कम होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस ग्रुप को ज्वाइन हो गए। अगर मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, पर मैं एवरी डे ट्रेड करता हूँ, और एवरी डे का यहाँ पर रिपोर्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर एवरी डे में यहाँ पर भेजता रहता हूँ, जो भी लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, इधर अपना रिपोर्ट वगैरह मिलेगा आपको, अगर देखने की इच्छा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।